हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम व्यावसायिक अर्थशास्त्र। आज का अपना टॉपिक है उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस। तो आज हम बात करते हैं उपभोक्ता की बचत का क्या अर्थ है और इस सिद्धांत की क्या मान्यताएं हैं, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। तो आइए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं उपभोक्ता की बचत का अर्थ। उपभोक्ता की बचत से क्या तात्पर्य है? देखिए, बहुत बार मार्केट में हम बहुत सी वस्तुएं लेने जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में उस वस्तु का मूल्य कुछ और है और हम उसके लिए देते कुछ और हैं। तो ये जो मेंटेलिटी है, जनरली यदि हम देखें किसी भी तरह से हम कोई वस्तु लेने गए, मान लीजिए मोबाइल हम लेने गए एक मार्केट में और उस मोबाइल की कीमत है 11,000 रुपये। हम 11,000 रुपये चुकाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब हम उस मोबाइल को, जिसको हम बोल सकते हैं, परचेज करते हैं, मान लीजिए वो मोबाइल हमें 10,500 रुपये में मिलता है, दुकानदार से जब हमने बार्गेनिंग की और 10,500 में दुकानदार देने के लिए तैयार हो जाता है, शॉपकीपर देने के लिए तैयार हो जाता है, ऐसे सिचुएशन में जो 500 रुपये हमने कम दिए हैं, एक तरह से वो क्या है, कंज्यूमर सरप्लस या उपभोक्ता की बचत। हालांकि वास्तविक रूप से हमें वो प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन चूँकि हम देने के लिए तैयार थे 11,000 और दिए हैं 10,500, तो एक तरह से जो डिफरेंस था वो क्या है, वो कहलाएगी उपभोक्ता की बचत। तो यदि हम इसे शब्दों के रूप में देखें, तो देखिए, एक उपभोक्ता किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो कीमत चुकाने के लिए तैयार होता है और जो कीमत वह वास्तव में चुकाता है, इन दोनों के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। देखिए, कंज्यूमर सरप्लस, वही बात आ गई, मैंने अभी आपको बताया था चुकाने के लिए तैयार था वो 11,000 रुपये, लेकिन एक्चुअल में उसने चुकाए हैं 10,500 रुपये। तो दोनों का जो डिफरेंस है, 11,000 माइनस 10,500 अर्थात 500 रुपये, वो क्या है, कंज्यूमर सरप्लस या उपभोक्ता की बचत कहलाएगी। यहाँ पर प्रोफेसर J.K. मेहता ने अपने विचार व्यक्त किए हैं उपभोक्ता की बचत के बारे में। तो आइए उनके विचारों को हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो प्रोफेसर J.K. मेहता के अनुसार, किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि तथा उस वस्तु को प्राप्त करने में किए गए त्याग के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। तो J.K. मेहता भी यही बताते हैं कि उस वस्तु को प्राप्त करने से जितनी संतुष्टि हुई है और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो त्याग किया गया है, उन दोनों के अंतर को क्या कहा जाएगा, उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये हमने देखा उपभोक्ता की बचत का क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं उपभोक्ता की बचत का नियम कब लागू होगा। तो इस सिद्धांत के लागू होने के पीछे कौन कौन सी मान्यताएं हम लेकर चलते हैं, आइए देखते हैं। पहली मान्यता हमारी रहेगी कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। जो वस्तु हमने क्रय की है, उस वस्तु को प्राप्त करने से हमें जो भी उपयोगिता मिलेगी, उस वस्तु की उपयोगिता को हम माप सकते हैं। जनरली मुद्रा को इस मापन का पैमाना माना जाता है, तो मुद्रा के रूप में हम उपयोगिता को माप सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मान्यता है, उपभोग की जाने वाली वस्तु गुण और मात्रा में समान होनी चाहिए। अर्थात जो वस्तु है उसके गुण और मात्रा बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, गुण और मात्रा में किसी भी प्रकार का असमानता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारी मान्यता है, उपभोक्ता की आदत, रुचि, स्वभाव आदि स्थिर रहते हैं। अर्थात उपभोक्ता की रुचि, आदत और स्वभाव में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोग के दौरान उसकी आदतों में परिवर्तन नहीं होगा, उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होगा और उसकी रुचि में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगली हमारी मान्यता है, अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति पाई जाती है। हम ये मान के चलेंगे कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति विद्यमान है, अर्थात अन्य कोई भी प्रतिस्पर्धा विद्यमान नहीं है। कहने का तात्पर्य है पूर्ण प्रतिस्पर्धा है और पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति हम पढ़ेंगे आगे। पूर्ण प्रतिस्पर्धा एक ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तु की कीमतें समान बनी रहती है,
वस्तु की क्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता, बहुत अधिक संख्या में क्रेता और विक्रेता पाए जाते हैं, तो और साथ ही परिवहन लागतों का अभाव पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये मान के चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की परिस्थिति विद्यमान है। नेक्स्ट हमारी मान्यता है, प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, अर्थात वस्तुएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। कोई भी वस्तु आप क्रय कीजिए, दूसरी वस्तु उस पर डिपेंड नहीं है, उस पर जिसको हम बोल सकते हैं किसी भी वस्तु की स्वतंत्रता, यहाँ पर हम मान के चलेंगे प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र है। नेक्स्ट हम मान के चलते हैं, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। हमने ऊपर माना था मुद्रा को उपयोगिता को मापने का पैमाना माना है, लेकिन साथ में हमने ये भी माना है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहेगी। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात कितनी भी वस्तुओं का उपयोग किया जाए, मुद्रा की मात्रा में कोई भी कमी और वृद्धि हमारे पास यदि हो भी जाती है, तब भी उसकी सीमांत उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हमेशा स्थिर बनी रहेगी। तो इन मान्यताओं को मानकर हम चलते हैं, इन मान्यताओं के आधार पर ही इस नियम लागू होगा। तो इस प्रकार से इन मान्यताओं को हमने आधार माना है सिद्धांत के लागू होने के पीछे। नेक्स्ट हम देखते हैं, उपभोक्ता की बचत के सूत्र। उपभोक्ता की बचत को हम किन सूत्रों के आधार पर माप सकते हैं, तो देखते हैं। इसमें सबसे पहला सूत्र है, उपभोक्ता की बचत प्रति इकाई उपभोक्ता की बचत बराबर मूल्य चुकाने के लिए तैयार माइनस वास्तविक भुगतान। यदि प्रति इकाई उपभोक्ता की बचत हमें ज्ञात करनी है, तो इस परिस्थिति में एक उपभोक्ता जितना मूल्य चुकाने के लिए वास्तव में तैयार है और वास्तव में उसने जितना मूल्य चुकाया है, उन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? उपभोक्ता की बचत। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया था, 11,000 रुपये चुकाने के लिए एक उपभोक्ता तैयार है, लेकिन वास्तव में उसने 10,500 रुपये ही चुकाए हैं। तो रेडी टू पे हुआ, यहाँ पर मूल्य चुकाने के लिए तैयार हुआ 11,000 माइनस वास्तव में पेमेंट किया है उसने 10,500, तो इक्वल बराबर आए हमारे 500 रुपये। इसका मतलब उपभोक्ता की बचत यहाँ पर होगी 500 रुपये के बराबर। तो रेडी टू पे माइनस एक्चुअल पेमेंट, ये कहलाएगी उपभोक्ता की बचत। या यदि हम देखें, यहाँ पर ये हमने ज्ञात की है प्रति इकाई उपभोक्ता की बचत, और यदि हमें उपभोक्ता की कुल बचत ज्ञात करनी है, तो कुल उपभोक्ता की बचत बराबर कुल उपयोगिता माइनस कुल त्याग। एक उपभोक्ता को जितनी भी उपयोगिता प्राप्त हुई है, यदि उसमें से उसके कुल त्याग को घटा दिया जाए, यानी कि टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल पेमेंट या टोटल सैक्रिफाइस यहाँ पर हम कहें, तो ये निकालने पर हमें क्या प्राप्त होगी? कुल उपभोक्ता की बचत। एग्जाम में जनरली पूछा जाता है उपभोक्ता की बचत का सूत्र दीजिए, तो आप दोनों दे सकते हैं, दोनों में से एक सूत्र भी देंगे तो वो सही होगा, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता की बचत हम इन सूत्रों के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा, इसे एक टेबल के माध्यम से भी देख सकते हो आप, टेबल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक उपभोक्ता के लिए यूनिट दी है, साथ में रेडी टू पे कितना है, एक्चुअल पे वो कितना कर रहा है, और उपभोक्ता की बचत कितनी आई है। जो पिछला सूत्र हमने देखा था, उसी के आधार पर हम यहाँ पर उपभोक्ता की बचत ज्ञात करते हैं। मान लीजिए एक यूनिट जब उपभोक्ता क्रय करता है, उस सिचुएशन में वो वास्तव में चुकाने के लिए तैयार है 50 रुपये, और वास्तव में चुकाता कितना है वो 10 रुपये। 50 रुपये चुकाने के लिए तैयार है और 10 रुपये उसने एक्चुअल में पेमेंट किया है। ऐसी सिचुएशन में उसे सरप्लस कितना होगा? उपभोक्ता की बचत यहाँ पर मिलेगी 40 के बराबर, 50 माइनस 10 इक्वल टू 40। दूसरी यूनिट में मान लीजिए एक उपभोक्ता चुकाने के लिए 40 रुपये तैयार है, लेकिन वो एक्चुअल में पेमेंट 10 रुपये का ही करता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसे 30 रुपये के बराबर उपभोक्ता की बचत मिलती है। और ये 30 रुपये कहाँ से आए? 40 माइनस 10 इक्वल 30 के बराबर उसे बचत प्राप्त हुई है। थर्ड यूनिट पर आप ध्यान दीजिए, एक उपभोक्ता चुकाने के लिए तैयार है 30 रुपये, और वास्तव में वो चुकाता है 10 रुपये, तो दोनों का डिफरेंस हुआ 20 रुपये। इस परिस्थिति में उपभोक्ता की बचत होगी 20 रुपये के बराबर।
चौथी इकाई की यदि हम बात करें तो चौथी इकाई में एक उपभोक्ता चुकाने के लिए तैयार है 20 रुपये के बराबर, लेकिन वो वास्तव में चुकाता कितना है 10 रुपये के बराबर। तो 20 - 10 तो 4 यूनिट पर उसे 10 रुपये के बराबर कंज्यूमर सरप्लस या उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है। और 5वीं यूनिट पर चूँकि उपभोक्ता की आवश्यकता की तीव्रता में कमी होती जाती है, संतुष्टि के चरम स्तर को वो प्राप्त करने लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में एक उपभोक्ता जितना चुकाने के लिए तैयार है उतना ही वो चुकाता है, 10 रुपये चुकाने के लिए तैयार है और उतना ही उसने चुकाया है, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की बचत शून्य होगी। दोनों बराबर है तो उपभोक्ता की बचत शून्य होगी। उपभोक्ता की बचत ऋणात्मक कभी भी नहीं होगी, क्योंकि एक उपभोक्ता उतना ही चुकाएगा जितनी कि उसे उस वस्तु से संतुष्टि मिलेगी, उससे कम कभी भी संतुष्टि के स्तर से अधिक कभी भी वो नहीं चुकाएगा, इसलिए उपभोक्ता की बचत कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। तो 5वीं स्थिति में एक उपभोक्ता 10 रुपये चुकाने के लिए तैयार है और पेमेंट भी 10 रुपये का ही करता है, ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ता को शून्य के बराबर बचत प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये हमने देखा उपभोक्ता की बचत किस प्रकार से उसे प्राप्त होती है। तो आज का अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हुए इससे आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, सरकार द्वारा दिए गए कोरोना के निर्देशों का पालन करते हुए। थैंक यू वेरी मच।